एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने 30 वर्षीय एक महिला के घुटने का दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन कर उसे स्वस्थ किया है। ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही महिला चलने फिरने लगी है, जिसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के अस्थि व वात रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानवेंद्र जंघेल और उनकी टीम ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित की है। चलने फिरने से वंचित बेमित्रा निवासी घुटने के दर्द से परेशान 30 वर्षीय महिला मोगराबाई यादव अपने परिजनों के साथ अस्पताल पहुंची थी, जहां डॉक्टरों द्वारा तत्काल महिला के घुटनों की MRI करवाई गई, जिसके बाद महिला के घुटनों के अंदर ACL नामक रस्सी टूटने की जानकारी मिली। इसके बाद डॉक्टर मानवेंद्र जंघेल द्वारा महिला के घुटने का दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही महिला चलने फिरने लगी। एसआर हॉस्पिटल चिखली आने के पूर्व महिला अन्य निजी अस्पतालों में भी घुटने दर्द की शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन महिला को निराश होकर लौटना पड़ा। महिला मोगराबाई और उसकी माता ने अस्पताल प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। मोर बेटी 2 महीना हो गए बहुत भुगत रही से, यहाँ ऐसे मोर बेटी का अच्छा ठीक से इलाज पानी खाना पीना सब बढ़िया से चली से, हमू नाश्ता पानी सब बहुत से बढ़िया परहेज करके रखी से। 2 महीना से बहुत तेजी होया हूँ, दर्द कर रही थे, उसका बाद यहाँ आया हूँ तो सूजी उजी मस्त दिया है, दवाई वही चली से, अच्छा से इलाज चली से, बढ़िया से सब कुछ खाना उना सब भी मिली से बढ़िया से, और ओकर बाद रिंगा था वहाँ कम ही दर्द उर्द है, ठीक ही वह अस्पताल है। महिला का ऑपरेशन किए SR हॉस्पिटल चिखली के अस्थि व वात रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानवेंद्र जंघेल ने महिला की बीमारी और उपचार को लेकर जानकारी दी। अभी अभी हमने एक नया केस किया है यहाँ SR हॉस्पिटल चिखली में, 30 साल की महिला का घुटने में मरोड़ होने के कारण उसके घुटने की जो रस्सी थी वो टूट गई थी। दरअसल कई अस्पतालों में जाने के बाद भी उसका बीमारी पता नहीं चल पाया था, यहाँ आने पर MRI कराया गया, MRI कराने में उसकी बीमारी पकड़ में आई और उससे पता चला कि ACL नामक जो रस्सी है वो टूटी हुई है, उसको दूरबीन से ऑपरेट किया गया है। मात्र 2 छोटे छोटे 4 mm के छेद से ही उसको ऑपरेट कर दिया गया है और ऑपरेशन करने के मात्र 2 दिन पर ही उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। SR हॉस्पिटल चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी ने अस्पताल में मौजूद सुविधाओं और विभिन्न स्वास्थ्यगत योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। SR हॉस्पिटल 180 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल चिखली रोड पर स्थित है। SR हॉस्पिटल में एक मरीज श्रीमती मोगराबाई जो कि बेरला जिला बेमेतरा निवासी थी, उसके पैर में घुटने में जो है गंभीर इंजुरी हुई थी। गंभीर चोट के कारण वह महिला कई अस्पतालों में गई कि उसके घुटने का जो है वह दर्द ठीक हो, जो उसके पैरों में लचक हो वह ठीक हो, किंतु कई सारे अस्पतालों में सही प्रकार से उसका डायग्नोसिस नहीं बन पाया। SR हॉस्पिटल के डॉक्टर अस्थि व वात रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानवेंद्र जंघेल द्वारा उनका डायग्नोसिस बनाया गया, जाँच की गई, जिसमें पाया गया कि घुटने के अंदर जो है वह इंजुरी हुई है, चोट लगी है, ACL नामक एक रस्सी होती है वह जो है गंभीर तरीके से जो है वह क्षतिग्रस्त हो गई है। उस महिला मरीज का ऑपरेशन दूरबीन पद्धति द्वारा SR हॉस्पिटल में किया गया। महिला की छुट्टी हो चुकी है, महिला का ऑपरेशन बिना चीरफाड़ के किया गया, महिला पूर्णतः स्वस्थ है, महिला चल रही है, फिर रही है, महिला अब अपने घर को जा चुकी है। SR हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के पात्र हितग्राही मरीजों का इलाज जो है योजना के अंतर्गत किया जाता है, एवं SR हॉस्पिटल चिखली में ESIC के जो मरीज हैं उनका भी कैशलेस इलाज किया जाता है। हमारे अस्पताल में विभिन्न प्रकार के TPA इंश्योरेंस जो हैं उनके भी जो मरीज हैं उनका भी इलाज योजना के अंतर्गत पूर्णतः निःशुल्क किया जाता है। आप सभी समाज से मेरी अपील है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यदि कोरोना की किसी भी प्रकार की लहर आती है उसके लिए पूर्ण रूप से सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की कोरोना के संकेत मिलने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में या अपने संबंधित फैमिली डॉक्टर को तत्काल संपर्क करें। गौरतलब है कि सर्वश्रेष्ठ
ट्रामा सेंटर से युक्त एसआर हॉस्पिटल चिखली में ईएसआईसी, आयुष्मान भारत, टीपीए आदि जैसी स्वास्थ्यगत योजनाओं का लाभ मरीजों को प्रदान किया जाता है। अत्याधुनिक चिकित्सा संसाधन से लैस अस्पताल ने अनेक गंभीर बीमारियों और दुर्घटनाओं में जख्मी लोगों को नया जीवन प्रदान किया है। 180 बिस्तरों से लैस अस्पताल में दुर्ग जिला ही नहीं अपितु अन्य जिलों से भी लोग अस्पताल की विश्वसनीयता के मद्देनजर इलाज कराने पहुंचते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।